हेलो गाइज, वेलकम बैक विद अम नर्सिंग एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे पीडियाट्रिक का इम्पोर्टेंट चैप्टर एनुरेसिस के बारे में। एनुरेसिस को मोस्टली हम बेड वेटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि बेड वेटिंग क्या होता है। इट इज़ द रिपीटेड इनवॉलंटरी पासिस ऑफ विदिन एट इन अप्रोप्रिएट प्लेस स्पेशली एट बेड ड्यूरिंग नाइट टाइम बियॉन्ड द एज ऑफ 4 to 5 ईयर। क्या होता है, ये एक रिपीटेड इनवॉलंटरी एक्शन होती है किसी चाइल्ड की। जब वह 4 से 5 साल का होता है तो वह इन अप्रोप्रिएट प्लेस के ऊपर यूरिन पास आउट कर देता है, यानी कि बेड को गीला कर देता है। स्पेशली एट बेड टाइम, क्या होता है कि स्पेशली जब वह बिस्तर पे आता है, बिस्तर पर होता है, तो उस टाइम यूरिन पास आउट कर देता है। उसकी यह इनवॉलंटरी एक्शन होती है, वह अपनी ब्लैडर पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और यूरिन को पास आउट कर देता है। एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम बियॉन्ड द एज ऑफ ईयर 4 to 5 इंसिडेंट रेट इज 3 to 10%। क्या होता है, स्पेशली बेड टाइम में या फिर नाइट टाइम में क्या करता है, यूरिन को पास आउट कर देता है जब बच्चा 4 से 5 साल का होता है। इंसिडेंट रेट है और इसके 3 से 10% होते हैं, चांसेस होते हैं 3 से 10% कि बच्चा यूरिन पास आउट करता है बेड के ऊपर। आगे हम पढ़ेंगे इसके कॉजेज के बारे में। आइए देखते हैं हम इसके कॉज क्या क्या है। फर्स्ट है हमारा स्मॉल ब्लैडर कैपेसिटी। क्या होता है कि बच्चे की ब्लैडर की कैपेसिटी है वो स्मॉल होती है। नॉर्मल ब्लैडर कैपेसिटी 500 से 600 ml होती है। तो बच्चा क्या होता है, ब्लैडर पर कंट्रोल नहीं कर पाता, उसकी ब्लैडर की कैपेसिटी है वो स्मॉल होती है। इम्प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग, बच्चे को कोई इम्प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं दी गई हो तो भी बच्चा बेड वेटिंग कर देता है, यानी कि बिस्तर को गीला कर देता है। आगे है डीप स्लीप विद इनएबिलिटी टू रिसीव द सिग्नल थ्रू डिस्टेंडेड ब्लैडर टू एम्प्टी। क्या होता है कि बच्चा जब गहरी नींद में लेटा हुआ होता है, सोया हुआ होता है, तो क्या होता है वह ब्लैडर को एम्प्टी करने के लिए जो हमें सिग्नल रिसीव होते हैं उनको वह कैच नहीं कर पाता है और क्या कर देता है, बिस्तर पर ही यूरिन पास आउट कर देता है। आगे इमोशनल फैक्टर लाइक पनिशमेंट। क्या होता है कि हमारे इमोशनल फैक्टर, जैसे कि कोई हमें सजा दे रहा हो तो क्या होता है, बच्चा यूरिन पास आउट कर देता है। आगे है डोमिनेंट पेरेंट्स सबलिंग बिहेवियर पेरेंट्स डेथ। क्या होता है, अगर पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है या सौतेले माँ बाप हैं और दुश्मनी जैसा बिहेव होता है उनके साथ में, बच्चे के साथ में, तो क्या करता है, बच्चा बेड वेटिंग करता है। इमोशनल फैक्टर लाइक डार्क प्लेस टू टॉयलेट और फियर ऑफ टॉयलेट। क्या होता है, अगर बच्चे को टॉयलेट में जाने से डर लगता है या फिर टॉयलेट में अंधेरे से डर लगता है तो बच्चा यूरिन पास आउट कर देता है किसी भी इनअप्रोप्रिएट प्लेस के ऊपर। उसका वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और डर के मारे क्या कर देता है, यूरिन पास आउट कर देता है। आगे हैं ऑर्गेनिक कोज, फॉर एग्जांपल स्पाइना बिफिडा एंड न्यूरोजेनिक ब्लैडर एंड सीजर्स। क्या होता है, हमारे कुछ ऑर्गेनिक कोज होते हैं, जैसे कि अगर बच्चे के अंदर स्पाइनल बिफिडा की कंडीशन है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, और अगर बच्चे को सीजर्स आते हैं तो बच्चा क्या है, उसके अंदर बेड वेटिंग की कंडीशन मोस्टली देखने को मिलती है। आगे हैं इसके टाइप। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी। इट इज़ करेक्टराइज बाय डिलेड मैचुरेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। क्या होता है, प्राइमरी कंडीशन बेड वेटिंग की प्राइमरी कंडीशन हमें तब देखने को मिलती है जब बच्चे का यूरिनरी ब्लैडर पर कंट्रोल है, उसका मैच्योरेशन नहीं हो जाता, उसका मतलब यूरिनरी ब्लैडर पर कंट्रोल करने की जो उसकी पावर है, उसका डेवलपमेंट है, वो डिलेड यानी कि देरी से हुआ हो तो बच्चा बेड वेटिंग करता है। व्हेन द चाइल्ड नेवर अचीव नॉर्मल ब्लैडर कंट्रोल। क्या होता है कि जब बच्चे का यूरिनरी ब्लैडर पर कंट्रोल वो डिलेड होता है, यानी कि उसका विकास है, यूरिनरी ब्लैडर का विकास है वो देरी से हुआ है, वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो बच्चा क्या करेगा, ब्लैडर को एम्प्टी करने वाले सिग्नल्स को अचीव नहीं कर पाएगा और क्या कर देगा, यूरिन पास आउट कर देगा।
यूजुअली टू ऑर्गेनिक कोज, इसके कुछ ऑर्गेनिक कोज भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई एक स्पेसिफिक डिजीज से सफ़र कर रहा हो। आगे है सेकेंडरी, इन विच द ब्लडर कंट्रोल इज डेवलप फॉर सेवरल मंथ आफ्टर वेन द चाइल्ड गेन स्टार्टेड बैड वेटिंग एट नाइट ड्यूरिंग ड्यू टू रिग्रेसिव बिहेवियर लाइक इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन। क्या होता है सेकेंडरी में मोस्टली हमें देखने को मिलता है कि बच्चा अपने ब्लडर पर कंट्रोल तो कर लेता है कुछ महीनों के अंदर। वेन द चाइल्ड गेन स्टार्टेड बैड वेटिंग एट नाइट, क्या होता है कि वह अपने ब्लैडर पर कंट्रोल करना तो सीख जाता है, लेकिन क्या होता है कभी कभार नाइट टाइम में वह बैड वेटिंग कर देता है, बेड को गीला कर देता है। किसके कारण? ड्यू टू रिग्रेसिव बिहेवियर लाइक इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन। किसी ने उसके प्रति अच्छा बिहेवियर नहीं दिखाया हो, या उसको कोई बीमारी हो, या फिर उसे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा हो, तो क्या करता है बच्चा बेड वेटिंग कर देता है। उसको डर लगता है हॉस्पिटल में जाने से, तो बच्चा बेड वेटिंग स्टार्ट कर देता है। या फिर उसके प्रति लोग हैं अच्छा बिहेवियर नहीं दिखा रहे, तो बच्चा डर के मारे बेड वेटिंग कर देता है। आगे है इसके मैनेजमेंट, अगर बच्चे के अंदर बेड वेटिंग की कंडीशन हो रही है तो हम क्या मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट डिपेंड अपॉन स्पेसिफिक कोज, मैनेजमेंट स्पेसिफिक कोज के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्टली हम देखते हैं असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ एग्जैक्ट कोज इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय थ्रोइंग इन्वेस्टिगेशन। क्या होता है कि हम असेसमेंट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं टू फाइंड आउट एग्जैक्ट कोज, यानी कि एग्जैक्ट कोज क्या है कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, उसका एग्जैक्ट कोज जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है, हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं कि बच्चा अगर बेड वेटिंग कर रहा है, बिस्तर को गीला कर रहा है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं और उसके प्रति असेसमेंट तैयार करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक कोज, आर मैनेज विद स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एंड विद इमोशनल सपोर्ट द चाइल्ड एंड पेरेंट अलोंग विद इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन। क्या होता है अगर बच्चे को कोई ऑर्गेनिक कोज है, यानी कि बच्चे को कोई इलनेस है, बीमारी है, तो हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं और एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बच्चे पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, बच्चे को इमोशनली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। द चाइल्ड एंड पेरेंट अलोंग विद इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन, फिर चाइल्ड को अगर उसके पेरेंट्स नहीं हैं, पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, या सौतेले पेरेंट्स हैं, तो क्या करते हैं हम बच्चे को इमोशनली मॉडिफाई करते हैं, उसको इमोशनली सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं बच्चे को। आगे है ड्रग थेरेपी, ट्राइक्लिक एंड एंटी डिप्रेसेंट। क्या होता है कि बच्चे को ड्रग थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट या ट्राइक्लिक ड्रग प्रोवाइड करते हैं, ताकि बच्चा किसी भी ऑर्गेनिक कोज के कारण डिप्रेशन में ना चला जाए, तो उसके लिए हम ड्रग थेरेपी बच्चे पर अप्लाई करते हैं। आगे है कंडीशन थेरेपी, बाय यूजिंग थेरेपी इलेक्ट्रॉनिक अलार्म बोल मैटर इज इफेक्टिव और सेफ मेथड। क्या होता है हम बच्चे की कंडीशन के अकॉर्डिंग उस पर थेरेपी अप्लाई करते हैं। इसमें हम बहुत सी थेरेपीज अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक अलार्म बोल, हम बच्चे के आसपास कोई एक स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर इलेक्ट्रिक अलार्म बोल लगा सकते हैं। जब भी बच्चा बेड वेटिंग करता है तो हमें पता चल जाए और हम उसके प्रति एक सही एक्शन ले सकें, तो हम इलेक्ट्रिक अलार्म बोल थेरेपी अप्लाई करते हैं। मैटर इज इफेक्टिव एंड सेफ मेथड। क्या होता है कि यह मैटर इफेक्टिव भी होता है और एक सेफ मेथड भी है बच्चे की बैड वेटिंग की बैड हैबिट को छुड़ाने के लिए। सपोर्टिव साइकोलॉजिकल हेल्प टू द पेशेंट, हम बच्चे को एक साइकोलॉजिकल हेल्प प्रोवाइड करते हैं, उसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बच्चे को, ताकि उसकी यह बैड वेटिंग की बैड हैबिट है वो छूट जाए, बच्चा बैड को वेट गिला ना करे। इसके लिए हम बच्चे को एक इमोशनली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू, आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ढेर सारा प्यार देना। थैंक यू।